रामचंद्र ये छानबीन चलती रही। बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडरएस्टिमेट करने की गलती की थी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडरएस्टिमेट करने की गलती की है। काफी समय बाद बॉलीवुड की किसी फिल्म में अच्छे कलेक्शन की उम्मीद जगाई है। अजय देवगन की दृश्यम 2 रिलीज के साथ ही अपने सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानी के चलते बढ़िया कलेक्शन किया है। फिल्म 15 करोड़ के रुपए के ओपनिंग के साथ रिलीज हुई थी, जबकि पहले ही हफ्ते इसने 64 करोड़ से अधिक का कारोबार कर लिया है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार से फिल्म की कलेक्शन में गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन वीकेंड खत्म होने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी पकड़ बनाई रखी है। फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया है कि दृश्यम 2 ने सोमवार को 11 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। वीकेंड खत्म होने के बाद फिल्म के शाम और रात वाले शो में भारी भीड़ देखने को मिली। फिल्म अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो पहले ही हफ्ते आसानी से 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। आदर्श ने बताया है कि दृश्यम 2 ने शुक्रवार को 15 करोड़ और शनिवार को 21 करोड़, रविवार को 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म ने पहले 4 दिनों में 76.1 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। दृश्यम 2 ने शुक्रवार को कुल 4000 से अधिक स्क्रीन के साथ रिलीज हुई है। भारत में यह कुल 3302 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, वहीं विदेशों में यह 858 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज हुई। आदर्श ने बताया कि वर्ल्ड वाइड दृश्यम 2 कुल 4160 स्क्रीन पर रिलीज हुई है।